हमने ये ड्रॉ कर ली, सही है। सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नाउ रेडी, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आप लोगों ने रेडी कर लिया। अब आप लोग ऐसा करें कि आप लोग लिखो, या फिर लिखिए नेम ऑफ द डायग्राम। इस पेज को भी आप टू पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट में हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल या आप देख सकते हैं हमने त्रिज्या डायग्राम्स ड्रॉ कर ली। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राई एंड स्क्वायर। नो द टाइम इज फॉर ट्राइंगल, कि हम किस तरह ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। लुक एट हियर, ट्राइंगल में हम एक लाइन लगाएंगे 90 एंगल का। 90 एंगल का हम ड्रॉ करेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। फिर उसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, और एक ऐसे। फिर दोनों को जॉइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ट्राइंगल, विच है, और ट्राइंगल हैज़ फोर थ्री साइड्स। ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स, 1, 2 एंड 3। ट्राइंगल ट्राइंगल आप लोग ले ले स्ट्रेट लाइन 1 सेंटीमीटर। फिर उसी पॉइंट से एक लाइन 9 सेंटीमीटर का इस तरह ले ले। और 9 सेंटीमीटर का नेक्स्ट ले ले। अब दोनों को जॉइन करें। हमारे पास बन गया ट्राइंगल, विच हैज थ्री साइड, जिसके थ्री साइड सेम। आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर उसी पॉइंट से दूसरी लाइन लगा दी, और फिर तीसरी। फिर जो फर्स्ट वन लाइन हमने ड्रॉ किया था मिड में, उसको हमने इरेज कर लिया और दोनों को जॉइन कर लिया। नो द टाइम ऑफ ओवल शेप। ओवल, OVAL, ओवल शेप। लाइक एक शेप। ओवल शेप जो है वो बिल्कुल इसकी तरह होता है। लाइक एक शेप। एक शेप हमने ड्रॉ कर ली। ओवल शेप जो है वो इसकी तरह, हम कह सकते हैं कि ओवल शेप इसकी तरह, जिस तरह एक का शेप हो उसी तरह बिल्कुल ओवल शेप है। नो द टाइम ऑफ कलरिंग। अब कलर की बारी है। कलर निकाली, सामने रख ली। क्लियर, टेक आउट योर रेड कलर। रेड कलर निकालें और स्टार्ट करें सर्कल की कर्लिंग। फर्स्ट हम क्या करेंगे, आउटलाइनिंग करेंगे। सर्कल की आउटलाइनिंग हमने स्टार्ट कर ली। आउटलाइनिंग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि कलर जो है वो बाहर ना निकले।
नो टेक आउट योर रूलर एंड स्टार्ट कर्लिंग। एक डायरेक्शन में आप लोग जो है तो वो कर्लिंग स्टार्ट करोगी, सही है। रूलर रखी और सर्कल की कर्लिंग स्टार्ट करी। वन डायरेक्शन में आप लोग कलर करोगी। ऐसा नहीं है कि कुछ लाइन एक डायरेक्शन में कलर करो और कुछ जो है दूसरे डायरेक्शन में, बिल्कुल वन डायरेक्शन में आप लोगों ने कलरिंग करनी है। हमारा सर्कल जो है कंप्लीट हो गया। हमने कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ भी कर ली, अब हमने इसकी कर्लिंग भी कर ली, सही है। इसमें कुछ लाइन डार्क लाइंस है और कुछ लाइन जो है तो वो लाइट है, तो हम फिंगर की हेल्प से या रुई की हेल्प से हम इसको ये देखिए सर्कल की कर्लिंग कंप्लीट हो गई। अब है स्क्वायर। फर्स्ट क्या करोगे, टेक आउट योर ब्लू कलर, आउटलाइनिंग करें फर्स्ट, सही है। फर्स्ट आप लोग करें आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग आपने कर ली स्क्वायर की, रूलर रखी और बिल्कुल वन डायरेक्शन में आप लोग जो है तो कर्लिंग स्टार्ट करें। ये जो लाइट लाइट जगह है ना, इसको अब मैं डार्क कर रही हूँ। हमारा स्क्वायर जो है तो वो कंप्लीट हो गया। हम रेक्टेंगल को कलर दे रहे हैं, सॉरी हाँ रेक्टेंगल को हम कलर दे रहे हैं। आप लोग निकालें ब्राउन कलर, ब्राउन कलर निकाली। आप लोगों ने ब्राउन कलर निकाल दी। अब आप लोग ऐसा करो कि कलरिंग स्टार्ट करें, लेकिन जितने आप अच्छी क्वालिटी की कलर्स यूज करोगे ना, उतनी ही आपके डायग्राम्स प्यारे नज़र आएंगे। आप लोग गोल्ड फिश के और डक्स की कलर यूज कर सकते हो।
ओके। हम ट्राइंगल को कलर दे रहे हैं। विच हैज थ्री साइड, इसके तीन साइड है। स्टार्ट कलर फ्रॉम हेयर, लाइट ग्रीन कलर हम इसको दे रहे हैं। फर्स्ट इसकी आउटलाइनिंग कर रहे हैं। हमने आउटलाइनिंग कर दी। हम इसकी अब कलरिंग कर रहे हैं। सही है, हमारे बेसिक शेड जो है तो वो बन गए।